वंडरस्लेट में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो विवरण में दिया गया है। आज का क्विज विषय है अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 1। बैड डेट के लिए प्रावधान किस सिद्धांत के अंतर्गत बनाया जाता है? ऑप्शन ए रूढ़िवादिता, ऑप्शन बी आय मिलान, ऑप्शन सी पुनर्अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी अ और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी अ और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से विक्रय की राशि किससे ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी रोकड़ बही, ऑप्शन सी विक्रय बही, ऑप्शन डी विक्रय खाता। सही जवाब है ऑप्शन डी विक्रय खाता। क्वेश्चन नंबर 3। बैंक खाताए का क्रेडिट शेष दर्शाता है? ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी बैंक द्वारा देय राशि, ऑप्शन डी बैंक को देय राशि। सही जवाब है ऑप्शन डी बैंक को देय राशि। क्वेश्चन नंबर 4। रोकड़ बही के डेबिट पक्ष की तरफ लिखे गए खाताएं की खतौनी करते हैं? ऑप्शन ए डेबिट पक्ष में, ऑप्शन बी क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन सी डेबिट अथवा क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रेडिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 5। क्रय बही के योग की खतौनी होगी? ऑप्शन ए क्रय खाते के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन बी क्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन सी क्रय वापसी खाते के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन डी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में। सही जवाब है ऑप्शन ए क्रय खाते के डेबिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 6। सीता से 5000 रुपीस के संपूर्ण भुगतान में 4800 रुपये प्राप्त हुए 200 रुपीस की खतौनी कहाँ आएगी? ऑप्शन ए सीता के खाते के डेबिट में, ऑप्शन बी सीता के खाते के क्रेडिट में, ऑप्शन सी कटौती खाते के डेबिट में, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7। क्रय वापसी बही के योग की खतौनी आएगी? ऑप्शन ए क्रय खाते के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन बी क्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन सी क्रय वापसी खाते के डेबिट पक्ष में, ऑप्शन डी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में। सही जवाब है ऑप्शन डी क्रय वापसी खाते के क्रेडिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस खाते का शेष तलपट के क्रेडिट में दर्शाता जाता है? ऑप्शन ए विक्रय खाता, ऑप्शन बी क्रय वापसी खाता, ऑप्शन सी पूंजी खाता, ऑप्शन डी उपरायुक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरायुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस खाते का शेष तलपट के डेबिट पक्ष में दर्शाता जाता है? ऑप्शन ए विक्रय खाता, ऑप्शन बी क्रय वापसी खाता, ऑप्शन सी पूंजी खाता, ऑप्शन डी विक्रय वापसी खाता। सही जवाब है ऑप्शन डी विक्रय वापसी खाता। क्वेश्चन नंबर 10। दायित्व को तलपट में दिखाया जाता है? ऑप्शन ए डेबिट पक्ष में, ऑप्शन बी क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन सी न क्रेडिट पक्ष में और ना ही डेबिट पक्ष में, ऑप्शन डी तलपट के बाहर। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रेडिट पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 11। जिन पुस्तकों में सभी खाते खोले जाते हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी कैश बुक, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी सहायक पुस्तक। सही जवाब है ऑप्शन सी लेजर। क्वेश्चन नंबर 12। सही तथ्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए संपत्ति में वृद्धि को डेबिट करें, ऑप्शन बी संपत्तियों में कभी को क्रेडिट करें, ऑप्शन सी दायित्व में कभी को डेबिट करें, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13। लागत के आधार पर स्थायी संपत्तियों का अभिलेखन किस अवधारणा के अनुसार व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए रूढ़िवादिता कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी लागत अवधारणा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन सी सतत संस्थान की अवधारणा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऑप्शन डी उपार्जन अवधारणा अक्रूअल कॉन्सेप्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी लागत अवधारणा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 14। आधारभूत लेखांकन मान्यताएं हैं ऑप्शन ए निरंतरता रूढ़िवादिता उपार्जन, ऑप्शन बी निरंतरता मिलान एकरूपता, ऑप्शन सी निरंतरता एकरूपता उपार्जन, ऑप्शन डी निरंतरता एकरूपता अवधि। सही जवाब है ऑप्शन सी निरंतरता एकरूपता उपार्जन। क्वेश्चन नंबर 15। स्थायी संपत्तियों का विक्रय किए जाने पर है ऑप्शन ए कुल संपत्तियों बढ़ेगी, ऑप्शन बी कुल संपत्तियों घटेगी, ऑप्शन सी कुल दातित्व बढ़ेगी, ऑप्शन डी कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16। लेखांकन सभीकरण इस अवधारण पर आधारित है ऑप्शन ए द्विपक्षीय अवधारण, ऑप्शन बी वसूली अवधारण, ऑप्शन सी सारता के उदाहरण, ऑप्शन डी सत्ता अवधारण। सही जवाब है ऑप्शन डी सत्ता अवधारण। क्वेश्चन नंबर 17। उपार्जन की अवधारण के अनुसार इसमें से कौन सा सत्य नहीं है ऑप्शन ए आगम व्यय इक्वल्स लाभ, ऑप्शन बी आगम लाभ इक्वल्स व्यय, ऑप्शन सी विक्रय सकल लाभ इक्वल्स आगम, ऑप्शन डी आगम इक्वल्स लाभ प्लस व्यय। सही जवाब है ऑप्शन सी विक्रय सकल लाभ इक्वल्स आगम। क्वेश्चन नंबर 18। लेखांकन मापदंड अनिवार्य रूप से लागू होते हैं ऑप्शन ए कंपनी पर, ऑप्शन बी साझेदारी व्यवसाय पर, ऑप्शन सी गैर व्यापारिक संगठन पर, ऑप्शन डी एकाकी व्यापार पर। सही जवाब है ऑप्शन ए कंपनी पर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रमाणक द्विपक्षीय बनाया जाता है ऑप्शन ए नकद प्राप्ति किए एवं भुगतान के लिए, ऑप्शन बी नकद एवं उधार विक्रय के लिए, ऑप्शन सी नकद एवं उधार क्रय के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। लेखांकन का मूल प्रलेख है ऑप्शन ए कैश मेमो, ऑप्शन बी बीजक और बिल, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है ऑप्शन ए संपत्ति इक्वल्स दायित्व पूंजी, ऑप्शन बी संपत्तियां इक्वल्स पूंजी दायित्व, ऑप्शन सी संपत्तियां इक्वल्स पूंजी प्लस दायित्व, ऑप्शन डी संपत्तियां इक्वल्स शुद्ध मूल्य दायित्व। सही जवाब है ऑप्शन सी संपत्तियां इक्वल्स पूंजी प्लस दायित्व। क्वेश्चन नंबर 22। लेखांकन सभीकरण के मुख्य तत्व है ऑप्शन ए पूंजी लेनदार एवं देय विपत्र, ऑप्शन बी संपत्तियां दायित्व तथा पूंजी, ऑप्शन सी नकदी स्टॉक एवं देनदार, ऑप्शन डी बैंक शेष विनियोग एवं प्राप्य विपत्र। सही जवाब है ऑप्शन बी संपत्तियां दायित्व तथा पूंजी। क्वेश्चन नंबर 23। उधार माल क्रिया से अंडरस्कोर होगी ऑप्शन ए संपत्ति व दायित्व में वृद्धि, ऑप्शन बी संपत्ति व पूंजी में वृद्धि, ऑप्शन सी दायित्व एवं पूंजी में वृद्धि, ऑप्शन डी संपत्तियों एवं पूंजी में कमी। सही जवाब है ऑप्शन ए संपत्ति व दायित्व में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24।
₹2000 का माल 2500 में उधार बेचा, इससे अंडरस्कोर होगी। ऑप्शन ए, संपत्तियां व दायित्वों में कमी। ऑप्शन बी, पूंजी एवं दायित्व में कमी। ऑप्शन सी, संपत्तियां एवं पूंजी में वृद्धि। ऑप्शन डी, संपत्ति और दायित्व में वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन सी, संपत्तियां एवं पूंजी में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25। व्यवसाय निकट भविष्य में बंद नहीं किया जाएगा यह भावना होती है। ऑप्शन ए, निरंतरता की संकल्पना में। ऑप्शन बी, उपार्जन संकल्पना में। ऑप्शन सी, रूढ़िवादिता की संकल्पना में। ऑप्शन डी, पृथक अस्तित्व की संकल्पना में। सही जवाब है ऑप्शन ए, निरंतरता की संकल्पना में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस क्विज का अभ्यास करना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर वंडरस्लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है और इसे अधिक देखना चाहते हैं तो अंगूठे को हिट करें और भविष्य के वीडियो के अधिक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।